दोस्तों आप में से बहुत सारे व्यूअर्स थे अक्सर मुझसे लिनक्स के बारे में काफी सवाल किए हैं, तो आज आप वीडियो देखते रहिए और मैं आपसे दोस्तों इसी के बारे में बात करने वाला हूं। मैं आपको बताऊंगा कि लिनक्स क्या है और लिनक्स और विंडोज के बीच में क्या सिमिलैरिटीज हैं या फिर क्या डिफरेंसेस हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको बता दूं कि लिनक्स हो चाहे लिनक्स हो, ये दोस्तों काफी हद तक सेम है जो भी आपके मशीन में अभी विंडोज 7, विंडोज 8 या विंडोज 10 है, और यहां पे दोस्तों ये सिर्फ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। सवाल ये आता है कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। दोस्तों आप जब भी अपना लैपटॉप ऑन करते हैं, कंप्यूटर ऑन करते हैं, तो वहां पे आप गूगल क्रोम खोल लेते हैं, वीएलसी ओपन कर लेते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या एक्सेल खोल लेते हैं और आपको लगता है कि आपने बहुत बड़ा कोई काम कर दिया है। लेकिन वो दोस्तों सिर्फ एप्लीकेशंस हैं जो आपके लिए कुछ एक स्पेसिफिक टास्क कर रही हैं। आप वीएलसी में वीडियोस देख सकते हैं, गूगल क्रोम में आप इंटरनेट को सर्व कर सकते हैं, वर्ड में आप एक डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, लेकिन दोस्तों बिहाइंड द सीन्स बहुत सारा काम और भी है जिसकी वजह से वो जो सारी एप्लीकेशंस हैं वो ठीक तरीके से काम कर पा रही हैं। और वो दोस्तों जो पीछे का सारा काम है वो करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि वो दोस्तों आपके पूरे कंप्यूटर को मैनेज करता है। जो भी आपका हार्डवेयर है, जो भी आपका सॉफ्टवेयर है, किस तरीके से रिसोर्सेज को यूज करना है, कैसे किस एप्लीकेशन को क्या चीज प्रोवाइड करनी है, वो दोस्तों सारा काम ओएस हैंडल करता है। अगर मैं आपसे एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल की बात करूं तो मान लीजिए कि आप दोस्तों एक बहुत ही बड़ी बिल्डिंग में हैं और वहां पे बहुत सारे एम्प्लॉयज दोस्तों जो है वो अलग अलग तरीके से अपना काम कर रहे हैं। तो वो जो एम्प्लॉयज हैं वो तो होगी दोस्तों एप्लीकेशन जो अपना अपना स्पेसिफिक काम कर रहे हैं, लेकिन वो पूरी बिल्डिंग चल कैसे रही है, वहां पे लाइट है या नहीं है, वहां पे पानी है या नहीं है, रोशनी है या नहीं है, खिड़कियां साफ है या नहीं है, फर्श साफ है या नहीं है, कैंटीन ओपन है या नहीं, वो दोस्तों जो कंप्लीट मैनेजमेंट वाला काम है वो करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसकी वजह से ये होता है कि वो जो एप्लीकेशंस हैं उनको चिंता नहीं करनी पड़ती कि पीछे क्या हो रहा है, वो बस डायरेक्टली अपना काम करती रहती हैं और उन्हें जब जो चाहिए वो उन्हें ओएस प्रोवाइड करता रहता है। अब आप ये सोचोगे कि ओएस तो बड़ी ही सिंपल चीज है, बड़ी आसान चीज है, तो इसके अंदर कॉम्प्लिकेटेड क्या है। तो दोस्तों आपको कैसा लगे अगर मैं आपको बताऊं कि पुराने जमाने में 1980s में जब दोस्तों पहले हम बोलते थे कंप्यूटर्स को माइक्रो कंप्यूटर्स, उस टाइम पे दोस्तों OS था ही नहीं। यानी कि अगर किसी को कोई एप्लीकेशन लिखनी हो, अगर आपको कोई गेम खेलना हो, तो आपको खुद से कोडिंग करनी पड़ेगी अपनी मशीन के लिए उस पर्टिकुलर गेम को लेके, और ऐसे में तभी आप उस गेम को खेल पाएंगे और वो जो आपने एप्लीकेशन लिखी है वही दोस्तों सारे काम करेगी जो एक OS करता है, और उसके बाद में आप उसको कॉपी भी नहीं कर सकते किसी और कंप्यूटर में क्योंकि हार्डवेयर अलग है। तो ऐसे में जो आपने कोड लिखा है वो सिर्फ आपके कंप्यूटर पे ही काम करेगा। दोस्तों उस टाइम पे एक नया OS डेवलप हुआ जिसको हमने नाम दिया CPM का, और जब IBM ने अपना नया लाइनअप निकालने का प्लान किया तो IBM ने सोचा कि वो एक्वायर कर लेगा CPM को, जिसके बाद से आने वाली सभी मशीन्स में CPM को यूज करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। और उस टाइम पे दोस्तों एक लड़के ने मदद की IBM की एक OS लिख के, जिसका नाम था DOS, और वो दोस्तों लड़का था वो था बिल गेट्स। और उसके बाद में DOS के बाद में विंडोज के तरह तरह के वर्जन आए और एक टाइम पे विंडोज में दोस्तों वो जो है वो दुनिया के सबसे अमीर इंसान बन गए। अब आप सोच रहे हो कि विंडोज भी सही है, चलो ठीक है, मैं अपना विंडोज में सारा काम करता हूं, बड़े आराम से कर लेता हूं, बहुत टाइम से यूज कर रहा हूं, काफी सिंपल है, काफी इजी है, तो ऐसे में ये लिनक्स कहां से बीच में आ गया। तो दोस्तों बीच में कुछ डेवलपर्स ने ये सोचा कि यार विंडोज जो है ना वो हमें बांध के रखता है, मतलब वो इतना ओपन नहीं है, तो ऐसे में कितना अच्छा हो कि अगर हम हमारा खुद का ही एक OS बना लें जो कम्प्लीटली ओपन हो, जिसे हम जहां चाहें जब चाहें चला सकें और हम हमारी मर्जी से जो भी काम करना चाहें वो कर सकें। दोस्तों इसी की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी एक सिंगल डेवलपर से, और उसके बाद में एक बहुत बड़ी टीम बनती गई और सब ने दोस्तों मिलकर डेवलप कर लिया लिनक्स को। तो लिनक्स दोस्तों बेसिकली एक ऑपरेटिंग सिस्टम ही है जो आपके कंप्यूटर को ठीक तरह चलाने में मदद करता है। वहां पर दोस्तों आपको देखने को मिलता है कर्नल, जो कि किसी भी OS का एक बहुत ही अहम हिस्सा होता है, और जो दोस्तों कर्नल है वो बेसिकली वो सॉफ्टवेयर का टुकड़ा है आपके OS का, फिर चाहे वो विंडोज हो, फिर चाहे वो मैक OS हो, फिर चाहे वो एंड्रॉइड हो, फिर चाहे वो iOS हो या फिर दोस्तों लिनक्स हो, कर्नल आपको सभी OS के अंदर मिलता है, और वो दोस्तों कर्नल ही है जो आपके हार्डवेयर को और आपके सॉफ्टवेयर को एक ब्रिज की तरह जोड़ देता है। यानी कि मान लीजिए कि आप दोस्तों कोई भी एप्लीकेशन चला रहे हैं और उस एप्लीकेशन की जरूरत है कि आपके स्पीकर्स का वॉल्यूम बढ़ाया जाए, तो वो कर्नल दोस्तों रिक्वेस्ट प्रोवाइड करेगा उस एप्लीकेशन
की कि आगे जो है वो स्पीकर्स के वॉल्यूम को बढ़ाया जा सके, या फिर अगर किसी एप्लीकेशन को मान लीजिए दोस्तों कुछ जगह चाहिए मेमोरी में, या फिर कुछ भी अगर हार्डवेयर का काम पड़ता है, तो यहाँ पर दोस्तों कर्नल जो है वो ब्रिज की तरह काम करता है और वो उन सभी रिसोर्सेज को एलोकेट करता है उन पर्टिकुलर एप्लीकेशन को लेके। अब यहाँ पर दोस्तों जो कर्नल है उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है, जो लिनक्स का कर्नल दोस्तों है वो है एक मोनोलिथिक कर्नल, और जो विंडोज का या फिर मैक का है वो है एक हाइब्रिड कर्नल। लेकिन आप ये मानिए कि जो कर्नल है वो जड़ है और उसके ऊपर दोस्तों जो कंप्लीट एप्लीकेशन है, जो कंप्लीट पैकेज, उसको बना के एक ओएस की फॉर्म में आपको सिस्टम जो है वो प्रेजेंट कर दिया गया है। अब वो लिनक्स कर्नल दोस्तों है, उसके ऊपर आपकी जो तरह तरह के एप्लीकेशन बिल्ड की गई है, उसके बाद में हमें लिनक्स के अलग अलग वर्जन देखने को मिलते हैं जो अलग अलग आपकी डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट होती है, फिर चाहे दोस्तों वो उबुंटू हो या फिर दोस्तों चाहे वो फेडोरा हो, चाहे काली लिनक्स हो, तो ये आपको अलग अलग फॉर्म में लिनक्स जो है वो पैकेजेस की फॉर्म में अवेलेबल है। विंडोज आप बहुत सभी फैमिलियर हैं, आप तरह तरह के सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लेते हैं, कुछ भी आप जो चाहे अपने विंडोज की मशीन में कर लेते हैं, तो ये दोस्तों एक तरीके से सिमिलर है लिनक्स के, लिनक्स के अंदर भी आप सेम काम कर पाएंगे। अब दोस्तों जो लिनक्स है वो आपको हो सकता है यूज करने में लगे कि थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़े से आइकन टेढ़े मेढ़े हैं, लेकिन यहाँ पे उसकी बहुत सारे अलग अलग वर्जन अवेलेबल हैं जो कि अलग अलग दोस्तों सिनेरियोज में काम ले जाते हैं, फिर चाहे वो काली लिनक्स हो, फिर चाहे वो फेडोरा हो, फिर चाहे दोस्तों वो उबुंटू हो, या फिर दोस्तों आपके मोबाइल फोन के लिए भी अगर लिनक्स है उबुंटू, तो वो दोस्तों आप यूज कर सकते हैं। और ये अलग अलग सिनेरियोज में अवेलेबल है, कंप्लीटली फ्री है, आपको कोई भी एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना होता है, जो विंडोज दोस्तों है वो बहुत ही एक्सपेंसिव है। इसके अलावा दोस्तों लिनक्स जो है वो काफी कंपैरेटिवली सिक्योर है कंपेयर टू विंडोज, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से सिक्योर, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा दोस्तों हद तक सिक्योर है, और आप इसे जब चाहे जिस मशीन पे चाहे, बहुत ही पुराने मशीन हो चाहे नई मशीन हो, बड़े ही आराम से यूज कर सकते हैं। आपने दोस्तों अक्सर देखा होगा कि अगर आप एक नया लैपटॉप परचेस करते हैं तो वहां पे आपको अगर विंडोज वाला लैपटॉप चाहिए तो वो काफी एक्सपेंसिव होगा, जो डॉस वाला है वो काफी चीप होगा, तो ऐसे में आप एक डॉस लैपटॉप खरीद के उसके ऊपर आप लिनक्स को अगर इंस्टॉल कर लें, फॉर एग्जांपल उबुंटू को, तो आप बाद में अपनी सभी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकते हैं। हो सकता है कि आपको वो सभी ड्राइवर्स ना मिले, वो सभी आपको हार्डवेयर का सपोर्ट ना मिले जो आपको मिलता है विंडोज में, लेकिन फिर भी दोस्तों लिनक्स जो है वो काफी अच्छा ओएस है जो आप अपने किसी पुराने कंप्यूटर में इंस्टॉल करके उसको आज की डेट में काफी स्मूथ चलवा सकते हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको लिनक्स और विंडोज के बारे में वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको इस वाला सुझाव हो तो आप मुझे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोस लेके आता रहता हूं। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।